नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मन आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल जीवी मोटर ट्रैवल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं मेरा नया हेलमेट जो अमेजोन से मंगवाया था। हेलमेट का नाम है SMK स्टेलर MA 200। तो इसी हेलमेट को आज मैं स्टिकरिंग करने के लेके जाऊंगा और साथ में इस हेलमेट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हेलमेट को पहले से ही निकाल लिया था बॉक्स से। इसके साथ एक स्लिंग बैग आता है जिसमें ये हेलमेट भरा हुआ रहता है। दोस्तों, ये मेरा जो हेलमेट है ये SMK ब्रांडिंग का है। ये हेलमेट खरीदने के पीछे जो मेरा मेन मकसद था ये है इसका अपना पिन लॉक टेक्नोलॉजी, जो क्या करता है कि सामने आपका कोई फॉग जमने नहीं देता है। क्या होता है, हम लोग राइडिंग करते वक्त किसी कारण से ये वाला वाइजर किसी कारण से खुला रहता है और बंद करते हैं तो हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो सामने पूरा का फॉग जम जाता है, जो सामने कुछ दिखता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अनसेफ एक्ट है बाइक चलाने वालों के लिए। तो इसी के कारण से मैं इस हेलमेट को कंसीडर किया हूँ मेरे लॉन्ग राइड के लिए। इसमें एक चिन वेंटिलेशन है, ऊपर दो वेंटिलेशन है, इसका एग्जॉस्ट यहाँ से निकलता है और पीछे एक SMK का स्टिकर ही है। इसका पैडिंग वॉशेबल है, इसका वाइजर अनस्क्रैचेबल है। इसको अमेजोन में मुझे 3,400 रुपये पड़ा लेने के लिए और 80 रुपये आपका कैरिंग कॉस्ट में पड़ा है। तो उस हिसाब से ये एक अच्छा डील लगा मुझे। पूरा मैट ब्लैक में बहुत बढ़िया लग रहा है ये वाला हेलमेट। तो इसी में मुझे यहाँ साइड से, यहाँ पे बीच से, यहाँ से, और मैं भी ये साइड से दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, वो कुछ ठीक नहीं है, वो जाने के बाद ठीक करेंगे। और पीछे से एक रिफ्लेक्टर यहाँ पे देने का मेरा इच्छा है। तो क्या होता है कि रात में जब चलाते हैं तो यहाँ से कम पीछे से तो दिखेगा कि कोई बाइक चला रहा है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसका स्टिकरिंग करा के लाते हैं। एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैं अपना दे दिया इस हेलमेट का। मैं अमेजोन में का जो मेरा बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ले लीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं इसका स्टिकरिंग करके लाते हैं और मिलते हैं बाइक में। चलिए आ गए हैं बाइक में। हम लोग जा रहे हैं कालियाचौक, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, 15 या 20 अंदर जो भी है। तो वहाँ पे अलियुल बोल के एक बंदा है जो स्टिकरिंग करता है, मेरा पूरा बाइक का जो भी स्टिकरिंग है वही किया है। पावाड़े बाबा, आज तो जहर ट्रैफिक है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, हम लोग के पास दूसरा रूट है, चलिए यहाँ से निकलेंगे। फरक्का आ गए हम लोग। ये दाहिनी तरफ चला जाता है फरक्का स्टेशन और सामने 34 आ रहा है, तो सीधा हम लोग को सिलगुड़ी तक लेके चला जाएगा और उसके बाद कौन कौन सा डेस्टिनेशन खुल जाता है ये चीज़ तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। और नॉर्थ में जाएंगे तो सिक्किम और ईस्ट में जाएंगे तो आसाम, और पूरा अपना 7 बहनों के साथ मुलाकात हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स। तो हम लोग इन्हें 34 में आ चुके हैं और यहाँ से थोड़ी देर के बाद आ जाएगा अपना फरक्का बैरेज। बाएं तरफ जो बजाज का शोरूम है इसी से हम लोग लेके आए थे मेरा 220 पल्सर। सामने बैरेज आ गया है,
one of the biggest bridge in India. बहुत सारे bikers के blog में देख चुके होंगे, फिर भी आज मेरे blog में देख लीजिए, इसको minimum cross करने में लग जाता है 3 से 4 मिनट. यहाँ पे सबसे चौड़ा गंगा का देखने को मिलता है. यहाँ पे ये देखिए पाइलिंग चल रहा है दूसरा बीच का. देख पाना है तो बताइए वो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी बता नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ पे रुक भी नहीं सकता हूँ दिखाने के लिए. लगभग 5-6 मिनट सॉरी 10 मिनट लगेंगे मुझे पहुंचने में कालियाचक. अरे बाबा क्या बाउंसिंग था. हम लोग लिटरली मालदा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं और मैं जो बड़े हैं उसको क्रॉस करने के बाद ही हम लोग मालदा डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं. और जिस तरफ मैं रहता हूँ वो हम उसी तरह pictures and memories stacked up in my head. I wish I could let you go. I wish I could just look at you. You're sticky and the super glue. कालियाचक आने के बाद आप लोग एक चीज जरूर ख्याल रखिएगा, फराक्का की तरफ से अगर आते हैं तो ये सामने वाला जो मोड़ आएगा दाहिने तरफ का जो रास्ता है वो सीधा चला जाता है बॉर्डर की तरफ, ठीक है, बांग्लादेश बॉर्डर. तो और मालदा की तरफ से आएंगे तो बाएं तरफ पड़ेगा ये दांगे वाला जो रास्ता है, ये दांगे वाला. तो हम लोग अभी दांगे तरफ जाएंगे, लेकिन इस रास्ते में नहीं घुसेंगे, दांगे तरफ जाएंगे सिर्फ. दाहिने तरफ आ गए हैं, यहाँ पे यामाहा का जो शोरूम है ना, यामाहा दिख रहा है, यामाहा के शोरूम के ठीक बगल में ये गली है. यहाँ पे आपको आना पड़ेगा तो आप पहुँच जाएंगे अलेविल स्टिकर हाउस में. ये बाइक्स गाड़ी सब में स्टिकर करता है. तो पहुंच गए हैं, इसीलिए मेरे पूरे बाइक का स्टिकर भी किया है, देख लीजिए. ये रहा अलीउल बाइक, अलीउल सॉरी, ये रहा उनका फोन नंबर
आपको एक दो नंबर में आप बात कर सकते हैं, उसके आ सकते हैं। ये रहा डिजाइन, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये रहा डिजाइन। ये ड्रैगन को साइड से लगाऊंगा और इसको मिडिल में, यानी यहाँ पे मिडिल में और यहाँ पे साइड से दोनों साइड में लगाऊंगा। Fantasy world.